अभी मुझे जो है यहाँ से कहीं से जो गांव में बोतल में रखते हैं पेट्रोल, 1 लीटर की बोतल लेनी पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल पंप नज़दीक में नहीं है, 6-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, तो ऐसी रिस्क हम नहीं उठाएंगे। 1 लीटर फिर तो तलवाड़ा में है क्या पेट्रोल पंप? हाँ, आपका क्या नाम है? भावेश उपाध्याय। भावेश पुजारी जी हो यहाँ पर? हाँ। तो त्रिपुरा सुंदरी के जो मंदिर है, ये कैसे पड़ा इनका नाम? ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इनका नाम इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 3 पुरियाँ थी। अच्छा। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और सीतापुरी। 3 पुरियों के सेंटर में यह माता जी का मंदिर विराजमान था, माता जी विराजमान थे, जिससे इनका नाम त्रिपुरा पड़ा। मगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो यह जो स्वरूप है वह ललिता स्वरूप है और ललिता का दूसरा नाम त्रिपुरा सुंदरी है। अच्छा। तो पूरी मतलब यहाँ पर शहर थे? हाँ, शहर थे। अच्छा। तो कितनी पुरानी बात होगी ये? कनिष्क काल कम से कम सन 1157 की, मतलब लगभग 11वीं शताब्दी की बात है। तो एक बात यहाँ बताओ, जैसे पीछे अर्थुना है। हाँ। और इस बेल्ट के अंदर खूब सारी जगह मैंने देखे मंदिर प्राचीन, जो 1100-1100 साल पहले के। हाँ। सब टूटे फूटे हुए हैं, तो ये मंदिर टूटा नहीं कभी? इसमें यह मंदिर क्या है कि जिस प्रकार व्यवस्थाएं बदलती गई, आर्थिक परिस्थितियां सुधरती गई, पहले यह मंदिर बहुत ही छोटा था और बहुत ही छोटा। अच्छा। तो इसलिए इस पर इतनी नज़र लोगों की गिरी नहीं, और धीरे 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 जैसे परिस्थितियां सुधरती गई, आर्थिक परिस्थितियां सुधरती गई, और जैसे जैसे पंचाल समाज जो यहाँ की व्यवस्था देखता है, ऐसा माना जाता है कि सन 1157 में यह प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त हुई। अच्छा। तो पाता भाई करके व्यक्ति थे, उनके भ्राता चंदा भाई, पंचाल को यह प्रतिमा प्राप्त हुई, उन्होंने प्रथम जीर्णोद्वार सन 1157 में किया। अच्छा। और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं वह पंचाल समाज के द्वारा देखी जाती है। और आपका क्या नाम है? जागेश पंचाल, मैं मंदिर के व्यवस्थापक हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम भी होते हैं साल? यहाँ दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, दोनों नवरात्रियों का अष्टमी का मेला लगता है यहाँ पर, और दोनों नवरात्रि धूमधाम से मंदिर में मनाई जाती है। उसके अलावा प्रतिवर्ष 12 मई के दिन माता जी का पाठोत्सव भी होता है, उस दिन भी भव्य शोभा यात्रा वगैरह, भोजन की भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। भोजन वैसे 12 महीने चलता है? हाँ, चलता है। यहाँ पर मंदिर के अंदर धर्मशाला भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, उसके बाद पत्रकावली कॉन्फ्रेंस रूम भी बने हुए हैं, VIP के लिए स्वागत कक्ष भी बने हुए हैं, और जगह जगह पर पानी के प्याऊ लगे हुए हैं, लोगों को जो दर्शनार्थी है उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की हुई है। दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी के बाद में बांसवाड़ा चलें शहर में, नहीं उससे पहले तलवाड़ा में भी मंदिर है, वो दर्शन करेंगे और फिर बांसवाड़ा। तलवाड़ा के अंदर ये गणपति जी का मंदिर, और उसके बाद में ये है द्वारकाधीश का मंदिर, जो संरक्षित स्मारक है, प्राचीन मंदिर है ये भी, और इसके आगे भी यहाँ पर खूब सारे ये टूटे हुए पिल्लरों वगैरह के अवशेष पड़े हैं खूब सारे। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे जो भी मौसम आए, यात्रा पूरी कंप्लीट होगी राजस्थान की। अभी देखिए सोडा सिकंजी पीते हैं। ये गर्मी भगाने का एक और अच्छा इलाज है।
बड़ा तीर्थ धार्मिक स्थल है त्रिपुरा सुंदरी एरिया के अंदर। पेट्रोल भरवाना भूल नहीं जाऊं गई, वो वापस ब्लिंक करने लग गई और 10 रुपए है ना भैया। दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर तो मैं दोपहर को ही पहुंच गया था, कई सारे यहाँ पर देखे, रहने की जगह देखी लेकिन मिली नहीं, बहुत महंगे महंगे होटल्स, एक धर्मशाला है, देखते हैं रात बिताने के लिए शाम तक, लेकिन बहुत अच्छी सफाई भी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, कम से कम मतलब सफाई अगर हो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अच्छा स्पेस अच्छा है इसमें, कम से कम 700-800 हजार रुपए के रूम वाले और कुछ होटल्स हैं। 4-5 जगह धूप में मैंने ट्राई किए, फिर गाड़ी के अंदर ही आधे घंटे सो गया और करते करते अब जो है नींबू पानी बनाया है, नमक डाल के चीनी डाल के नींबू डाल के ये पियेंगे और आज मूवी देखने की इच्छा है, मोदी नरेंद्र मोदी वाली जो मूवी है अब यहाँ पर देखेंगे, नक्षत्र सिनेमा हॉल है उसके अंदर जा रहे हैं। बांसवाड़ा के सिनेमा हॉल में पीएम नरेंद्र मोदी मूवी देखेंगे और हमारे कुछ साथी भी आप पीछे की साइड में देख सकते हैं। हाय जितना छोटा सिनेमा हॉल है उतने से ही साथी हैं, सब मिलके पर्सनल बुक करके देख रहे हैं।